बहुत जोर से नॉक हुआ, जैसे किसी ने दरवाजे पे मुक्का मारा हो। आवाज अंदर के दरवाजे से आ रही थी। इससे पहले मैं कुछ सोच पाती, मेरे मुंह से निकल गया, कौन है, कौन है बाहर? किरण, किरण कैसे आ गई? और ये आवाज तो ऐसे लग रही है जैसे पानी में से आ रही हो। किरण गा कर क्यों बोल रही है? मेरी नजर उसके बेड की तरफ गई। उसने कहा था मंडे को तेरे लिए आलू के पराठे लेकर आऊंगी, पर आज तो सैटरडे ही है, इतनी जल्दी कैसे आ गई? मेरे कान गर्म हो गए। बाहर बारिश और तेज हो गई थी और मेरी धड़कन उसी रफ्तार से बढ़ रही थी। मेरा दिमाग कह रहा था कि किरण अभी नहीं आ सकती, पर मेरे कान कैसे मान ले, वो तो उसकी आवाज सुन रहे थे। फिर उस आवाज ने मुझसे मिन्नत की, दरवाजा खोलो। वो ऐसे बात क्यों कर रही है? ठीक है, किरण की आवाज है, पर कुछ तो अजीब है। मेरी आंखें बंद होने से भी डर रही थी कि अगर गलती से भी पलक झपकाई तो पता नहीं क्या पिक्चर बन जाएगी। बारिश हल्की पड़ गई और वो नॉक दोबारा नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब नॉक नहीं हुआ तो मुझे नींद आ गई। अगले दिन सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली तो मुझे रात का सारा किस्सा याद आ गया। मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला। सुबह सूरज निकल आया था, पर हॉल में बिल्कुल अंधेरे के साथ साथ ठंडक भी थी। एक मिनट, अंधेरा? मैंने तो रात में हॉल की ट्यूबलाइट बंद नहीं की थी, मुझे अच्छे से याद है। नहाने के बाद मैंने लाइट खुली ही छोड़ दी थी। फिर लाइट्स किसने बंद की? मैंने जल्दी से हॉल क्रॉस किया और लाइट्स ओपन की। लाइट ऑन करके मैंने सबसे पहले फ्रंट डोर चेक किया, वो तो अच्छे से लॉक था। फिर अच्छे से पूरा हॉल स्कैन किया, कहीं कोई नहीं था, सारा फर्नीचर भी वैसे ही था। मैं वापस रूम की तरफ जाने लगी तभी मेरा ध्यान गया बेडरूम के दरवाजे के बाहर की तरफ। जो साइड हॉल में खुलती है उस पे किसी कट्स के निशान थे, जैसे किसी ने चाकू से खरोंचा हो, तिरछे गहरे निशान। अजीब है, पहले तो कभी नहीं दिखे, ये कैसे निशान है? कुछ तो गलत था, पर मेरी समझ से परे था। एक ही रास्ता था इन सब से बाहर आने का, कि मैं इसको अपना सपना समझकर भूल जाऊं। मंडे को किरण वापस अपने होम टाउन से आ गई। उसने आने के लिए ना ही कोई नॉक किया, बस चाबी लगाई, ताला खोला और घर में घुस गई। आते ही उसने घर से लाया हुआ टिफिन मेरे सामने रख दिया और उसमें रखे आलू के पराठों ने मुझे एकदम दुरुस्त कर दिया। मैं जैसे जैसे वो आलू के पराठे खाती जा रही थी, किरण अपनी सारी बातें बोलती जा रही थी। दूसरा नाम कहूँ तो चैटर बॉक्स से कम नहीं थी वो। मैं उसके टोन में वही म्यूजिकल टच, पानी की गूंज ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे। उसने जिक्र भी नहीं किया दरवाज़ा खोलने का या रात को आने का। ये हफ्ता तो बहुत आराम से गुजर गया। बारिश दूर रही दिल्ली से, अपने रेगुलर क्लासेस और कॉलेज के रूटीन में मैं इतना बिजी हुई कि ऑलमोस्ट वो हादसा भूल गई। लेकिन शायद ज़्यादा देर तक उसे भूलना मुमकिन नहीं था। इस फ्राइडे पे किरण फिर अपने होम टाउन गई। पीजी में फिर मैं बिल्कुल अकेली थी। शनिवार को सुबह से बारिश का मौसम नहीं था, पर अचानक दोपहर में ही काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। इस बार बारिश की आवाज़ मुझे सुकून देने की बजाय घबराहट दे रही थी। कभी कभी दिल बता देता है कि हमारे साथ क्या बुरा होने वाला है। मैंने माँ को फ़ोन लगाया, थोड़ा अच्छा लगा उनसे बात करके, माँ की तो आवाज़ में ही सुकून होता है ना। पता नहीं उनसे मिलने की चाह जाग उठी और मैंने कोई बहाना बनाकर फ़ोन काट दिया। अभी फ़ोन काटा ही था,
कि मेरे कमरे के दरवाजे पे इस बार मैं पूरी तरह सचेत थी। कोई नींद नहीं आ रही थी मुझे, किसी भ्रम में नहीं थी मैं। आई वॉज फुली अवेक। मुझे अच्छे से याद था मैंने बाहर का मेन गेट और अंदर का डोर लॉक किया है। कोई भी हॉल में नहीं आ सकता। जब से किरण गई थी तब से मेरे अंदर का एक हिस्सा तैयार था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं एक टक दरवाजे की ओर देख रही थी। रूबी, दरवाजा खोलो प्लीज। किरण की आवाज ठीक वैसे ही आ रही थी, म्यूजिकल। मैं हिली भी नहीं अपनी जगह से। फिर उस आवाज में एक तीखापन आया, जैसे 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 वो मुझे कोई ऑर्डर दे रही हो। रूबी, दरवाजा खोलो। मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया, नहीं। मेरा ऐसा कहना ही था और अचानक उस आवाज में जैसे शैतान आ गया हो। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल चीनी मिनी। ये तो वही बातें थी, वही जो पिछले हफ्ते उन लड़कों ने मेरा रास्ता रोक कर कही थी। ये तो सारा ह्यूमिलिएशन, सारी बेइज्जती जो मेरे साथ हुई। चीनी मिनी, और वो सब मुझे दोबारा याद आ गया। मुझे लगा दरवाजा टूट गया, पर वो बिल्कुल अपनी जगह पर था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम किरण नहीं हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और तकिए से अपना मुंह ढक लिया। उसके गुर्राने की आवाज के साथ साथ मैंने और ज्यादा तकिए में अपना मुंह दबा लिया, कान भी ढक लिया ताकि मैं उसकी आवाज सुन ना सकूं। तुम मुझसे बच नहीं सकते चीनी मिनी।